अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। नाज़रीन, अकबरुद्दीन अवैसी की तबीयत को लेकर सारे हैदराबाद में एक बेचैनी सी पाई जा रही है और आज बारकस डिवीजन में नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद हफीज, मदरसे मोहम्मदिया के प्रिंसिपल हाफिज अब्दुल मुबीन खालिदी, एरिया सभा मेंबर महमूद कुरैशी, वार्ड कमेटी मेंबर बरकत अली खान, एरिया सभा मेंबर मकबूल हमीद अली खान, इम्तियाज हुसैन, रियाज हुसैन, ताहिर पटेल और शाह साहब के अलावा दीगर लोग मौजूद थे। आज अकबरुद्दीन ओवैसी सेहत के लिए इत्मे कुरान पढ़कर मासूम बच्चे, बड़े और जवान मिलकर दुआ की और अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहत के लिए अल्लाह से दुआ मांगी, क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी फिर से असेंबली में अपनी आवाज उठाएं और यहां के अवाम के हक में बात करें, उनके परेशानियों के ताल्लुक से बात करें। उम्मीद है कि इनकी दुआ कबूल होगी और बहुत जल्द अकबरुद्दीन ओवैसी अवाम के दरमियान रहेंगे। बाद अज़ां मासूम बच्चों को खाना भी खिलवाया। शेख शफी के साथ क्राइम टुडे न्यूज़ हैदराबाद। हेलो भाई, सलाम वालेकुम। नहीं अगर थोड़ा टाइम लगता है।